इंटरमीडिएट ग्रामर का पांचवा लेसन है आई हैव एंड आई हैव गॉट। आई हैव जिस सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं उसी सेंटेंस में आई हैव गॉट भी यूज़ कर सकते हैं, यह बताने के लिए इंटरमीडिएट का यह लेसन है। देखिए यहाँ पे आई हैव की वाक्य रचना दी हुई है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आई हैव अ स्कूटर, मेरे पास स्कूटर है। आई डोंट हैव अ स्कूटर, मेरे पास स्कूटर नहीं है। डू आई हैव अ स्कूटर, क्या मेरे पास स्कूटर है। इस तरह से इनकी वाक्य रचना है और उसी हिसाब से ऊपर दिए गए वाक्य के अनुसार वी यू दे के वाक्य भी इसी तरह से बनेंगे। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है लेकिन उसकी जगह पे अगर वी है, यू है, दे है या कोई भी प्लूरल उसका सब्जेक्ट है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों की रचनाएँ, वाक्य रचनाएँ इसी तरह से बनती है। उसी तरह से ही हैज़ अ स्कूटर, उसके पास स्कूटर है पॉजिटिव। ही डजंट हैव अ स्कूटर, उसके पास स्कूटर नहीं है नेगेटिव। डज ही हैव अ स्कूटर, क्या उसके पास स्कूटर है, ये पॉजिटिव। ये तीनों वाक्य भी सी और इट के वाक्य के अनुसार ही बनेंगे। मतलब कि ही सब्जेक्ट है, उसके जगह पे सी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी प्रोनाउन कर्ता की जगह पे लिखे जाएगा तो उसकी वाक्य रचना पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में इसी प्रकार से होगी। लेकिन जैसे हमने यहाँ लिखा आई हैव अ स्कूटर, मेरे पास स्कूटर है, उसको हम दूसरी तरह आई हैव गॉट अ स्कूटर भी लिख सकते हैं। मेरे पास स्कूटर है, आई हैव नॉट गॉट अ स्कूटर, मेरे पास स्कूटर नहीं है। हैव आई गॉट अ स्कूटर, क्या मेरे पास स्कूटर है। उसी तरह से ही हैज़ अ स्कूटर, उसके पास स्कूटर है, ये हम दूसरी तरह से ही हैज़ गॉट अ स्कूटर, उसके पास स्कूटर है। ही हैज़ नॉट गॉट अ स्कूटर, उसके पास स्कूटर नहीं है नेगेटिव में। एंड हैज़ ही गॉट अ स्कूटर इंट्रोगेटिव में, क्या उसके पास स्कूटर है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और इन आई हैव गॉट वाला वाक्य वी यू दे उसी तरह यूज होंगे और ही हैज़ वाला वाक्य सी हैज़ और इट हैज़ उसी तरह से यूज होंगे। इसी तरह से ये दोनों आई हैव एंड आई हैव गॉट दोनों हम फॉर इलनेस यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है आई हैव अ हेडेक, मतलब मुझे बहुत सिर में दर्द है। उसी तरह से आई हैव गॉट हेडेक, ये भी कह सकते हैं सिर में दर्द है। उस तरह से जैसे हेडेक कहा उसी तरह से टूथएक, मतलब दांत का दर्द है। लेग पेन, पैर में दर्द है। कोल्ड मतलब सर्दी है। कफ मतलब खांसी है, कोई फ्लू, इस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। आई हैव अ फ्लू, आई हैव गॉट अ फ्लू, आई हैव नॉट अ फ्लू, इस तरह से आई हैव नॉट गॉट अ फ्लू, इस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें यह भी एक याद रखना है कि जिस तरह से हमने यहाँ पे आई हैव अ स्कूटर का आई डोंट हैव अ स्कूटर कहा, उस तरह से आई हैव अ स्कूटर का आई हैव नॉट अ स्कूटर उस तरह से भी उसका नेगेटिव बन सकता है। और हैव आई अ स्कूटर उस तरह से भी उसका क्वेश्चन इंट्रोगेशन बन सकता है। जैसे ही हैज़ अ स्कूटर, ही डजंट हैव लिखा है तो ही हैज़ नॉट अ स्कूटर भी लिख सकते हैं। एंड डज ही हैव लिखा है उसकी जगह पे हैज़ ही अ स्कूटर उस तरह से भी यह लिख सकते हैं। डोंट यूज हैव गॉट विथ, मतलब हैव गॉट का उपयोग इनके साथ नहीं करना है। जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ले रहा हूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ आई हैव माई डिनर, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई हैव माई लंच, लेकिन आई हैव गॉट उसमें यूज़ नहीं कर सकता हूँ। उसी तरह से मील, सैंडविच, पिज़्ज़ा, अ कप ऑफ कॉफ़ी, ग्लास ऑफ मिल्क, बाथ, शावर, रेस्ट, हॉलीडे, इन सभी जो शब्द हैं उनके साथ आई हैव गॉट हम यूज़ नहीं कर सकते। आई हैव अ हॉलीडे, यू डोंट से आई हैव गॉट अ हॉलीडे, क्योंकि उसका थोड़ा मीनिंग बदल जाता है। इसलिए आई हैव गॉट अ सैंडविच, डोंट से आई हैव अ सैंडविच यू शुड से। सो इस तरह से इन शब्दों में इसका उपयोग नहीं होता है हैव गॉट का, वो हमें याद रखना है। फिर है हैव इन ऑल द टेंसेज, जैसे हमने बी इन ऑल द टेंसेज हमने लिखा था, सभी टेंसेज में बी का उपयोग कैसे होता है, अर्थ क्या होता है, उसी हिसाब से हैव का अर्थ सभी टेंस में क्या होता है और उसकी वाक्य रचना, उसकी रचना क्या होती है। आई हैव माई लंच, मैं भोजन लेता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। आई हैड माई लंच, मैंने भोजन लिया, सिंपल पास्ट हो गया। आई विल हैव माई लंच, ये सिंपल फ्यूचर है, मैं भोजन लूँगा। आई एम हैविंग माई लंच, ये कंटिन्यूस प्रेजेंट, मैं भोजन ले रहा हूँ। आई वॉज हैविंग माई लंच,
at 3 o'clock yesterday, मैं भोजन ले रहा था, continuous past हो गया. I will be having my lunch tomorrow at 10 o'clock. मैं भोजन ले रहा हूँगा, ये continuous future हो गया. I have had my lunch, मैंने भोजन ले लिया just now, अभी भोजन लेके ही बैठा हूँ और बोल रहा हूँ. I had my lunch, मैंने भोजन ले लिया था जब तुम आए थे. एंड वो सिंपल परफेक्ट पास्ट हो गया, ये परफेक्ट प्रेजेंट है, और बाद में परफेक्ट फ्यूचर. I will have had my lunch, मतलब मैंने भोजन ले लिया होगा by 10 p.m. 10 बजे तक में मैंने ये ले लिया होगा. इस तरह से सभी टेंस में उसकी क्रियापद की रचना और उनके अर्थ इस प्रकार से होते हैं.